बिलासपुर के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार रात डियारा सेक्टर में आयोजित विशाल भगवती जागरण में शिरकत कर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं इसके बाद रविवार सुबह उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाषा एवं संस्कृति विभाग के बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर का निरीक्षण भी किया। इस दौरान भाषा एवं संस्कृति विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। भाषा विभाग के ऑडिटोरियम के निरीक्षण के बाद मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व सरकारों के कार्यकाल में प्रदेश भर में कई ऑडिटोरियम तो बनाए गए मगर उनमें स्टाफ और फर्नीचर की सुविधा नहीं दी गई और इन 20 से 25 करोड़ के बजट से बनाए गए इन ऑडिटोरियम में तालाबंदी ही देखने को मिली है, जिसका अब वो खुद जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी कमियां ऑडिटोरियम में नजर आ रही है उसे जल्द दुरुस्त किया जाएगा। भाषा विभाग का ऑडिटोरियम है और यहाँ मैन पावर को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मेंटेनेंस को लेकर प्रॉब्लम्स हैं। अधिकारियों ने मुझे बताया था इसको देखना है और अभी तो इसमें फर्नीचर लगना है, इनकम्प्लीट है, तो जाके शिमला विभाग से पता लगाते हैं मंत्रालय से और इसको कंप्लीट करवाते हैं ताकि ये राइटफुल इसका यूज हो सके। और यहाँ पे बिलासपुर शहर के लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है ये। और अभी यहाँ पे ड्रामा वगैरह का कार्यक्रम जो है 4-5 दिन के शायद होने जा रहे हैं, तो उस नज़रिए से भी इसको देख रहे हैं। लेकिन कंप्लीशन में फर्नीचर कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ लगना है, तो वो लगवाते हैं जल्दी से ताकि इसका सही इस्तेमाल हो सके। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनी है और ये प्रदेश में काफ़ी जगह पे बनी है जी। और अब हम कोशिश कर रहे हैं सारी जगह, मैं खुद विजिट कर रहा हूँ और कि इन सब को जो है इस्तेमाल में लाया जाए। सब जगह जो है तालेबंदी हो रखी है बनाने के बाद और 25-25, 30-30 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट्स हैं और शहर मैं देखा कई शहरों में बन चुके हैं, तो वैसे भी इसका रिव्यू कर रहे हैं लेकिन मैं इसकी स्थिति भी देखना चाहता था।